अपने नए बंगले में गुजारा रात लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग है अखिलेश यादव का नया बंगला समाजवादी पार्टी कार्यालय से बेहद नजदीक है अखिलेश का नया बंगला बंगले में सुरक्षा के इंतजाम कड़े हैं कुछ दिन पहले मुलायम सिंह यादव भी नए बंगले में शिफ्ट हुए हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आपको नया बंगला दिखाने हम जा रहे हैं कल उन्होंने यहाँ पे शिफ्टिंग की है और अपने परिवार के साथ आज इस बंगले से आज से इस बंगले में रहना उन्होंने शुरू कर दिया है ये एक विक्रमादित्य मार्ग पर यह बंगला है इससे थोड़ी दूर पर समाजवादी पार्टी कार्यालय है दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था और पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगले खाली कराए गए थे उसके बाद अखिलेश यादव सुशांत गोल्फ सिटी में एक किराए के मकान में रहने लगे थे और लंबे समय वहाँ पर उन्होंने गुजारा और इस वक्त पे वहाँ यहाँ पे काम चल रहा था और अब कल ये बंगला पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है हालांकि अभी इसमें नेम प्लेट नहीं लगाई गई है और बेहद ही शानदार और खूबसूरत बंगला अखिलेश यादव का है अब यह यहाँ पे अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गए हैं और समाजवादी पार्टी कार्यालय चूंकि यहाँ से नज़दीक है तो इसलिए इनको आवागमन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कार्यकर्ताओं का अक्सर ये होता है कि कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी पे बड़ी संख्या में जमा होते हैं और दूरी से आने के चलते यहाँ पे पार्टी के बड़े नेता नहीं पहुँच पाते हैं और अब उम्मीद इस बात की भी लगाई जा रही है कि इस बंगले पर भी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम आने वाले समय में देखने को मिलेगा और अखिलेश यादव यहां पर पूरी तरह से शिफ्ट हो गए हैं उनकी पत्नी डिंपल यादव के साथ कल उन्होंने यहां पर गृह प्रवेश किया था और अपने बच्चों के साथ पूरी तरह से यहां शिफ्ट हो गए हैं और आज जो रात बीती रात है उन्होंने अपने इसी नए बंगले में गुजारी है कैमरामैन गौरव के साथ सीमा अब नकवी भारत समाचार लखनऊ मायावती